तो आप जरूर वहाँ पे आइए। क्योंकि हम लोग बिल्कुल ये भरे हुए कपड़े सुरानी, हमें आप जैसे कपड़े चाहिए जिसका आप डिजाइन करते ना, उस तरह की रिक्वायरमेंट है मेरी मेरी बच्चियों की, तो प्लीज काइंडली जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का सिद्धू आपका, बहुत शुक्रिया। जो आपके नए अपकमिंग फैशन शोज आ रहे थे तो क्या वो आप फेसबुक पे पता चल जाता है? फेसबुक पे पता लग जाता है, न्यूज अपडेट हो जाती है। अच्छा, और अभी जैसे ब्राइडल के तौर वीक था तो उन्होंने अपने चैनल के ऊपर रिपीटेडली दे वर अनाउंसिंग दैट आई एम कमिंग टू कराची फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ जी, वो तो न्यूज पता लग ही जाती है। अच्छा ठीक है साइम, आप मुझे कुछ एक हम बात कर रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट। जी तो जैसे कल एक लाइव कॉलर थी, उन्होंने बोला कि आप जो है वो अब जो वजन हमारा इतना पुट ऑन हुआ है तो उसके लिए अब मैंने कहा आप जो हमारी जो लॉन्ग कमीजें चल रही पैनल्स के साथ, बेसिकली वो जो खवातीन है जो वेट जिनका मतलब भारी है वो पैनल्स जब पहनती हैं तो उनका वेट उन पैनल्स के अंदर छुप जाता है, बट ये हल वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब देखें ना, फैशन तो चेंज होता रहता है, आज ये है कल फिर वो शॉर्ट शर्ट्स टाइट शर्ट्स इन हो जाएंगे। बिल्कुल। आप लोगों को अपने वेट को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने वेट के ऊपर काम, अपनी जो डाइट है आपकी, यू हैव टू बी डाइट कॉन्शियस। इतना ऑयल, इतना कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना, और यू सी हम लोग जाते हैं, हम लोग वो एंजॉयमेंट की को सामने रख के हम फिक्र नहीं करते हैं कि वट एवर यू ईटिंग इज गोइंग इन टू योर बॉडी इज नॉट गोइंग समवेयर एल्स, तो वो उसको आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मजा 2 सेकंड का होता है लेकिन वो आपको पता है, आपको पता नहीं ना कि आप कितना पुट ऑन कर लेते हैं। और अच्छा साइम, आप किस चीज से लाइक आर यू हैप्पी विद द फ्लेयर्स? और अभी तक आई एम वेरी हैप्पी विद द फ्लेयर्स, आई लव। आपका दिल चाहता है चेंज हो या नहीं हो? चेंज आई थिंक व्यूअर्स का तो बिल्कुल नहीं चाहता। आई लव, अब देखें ना जो अभी आने वाले 1 साल तक के जो ऑर्डर्स हम लोगों ने पकड़े हुए वो सब फ्लेयर्स हैं, और बायर्स को मेरे ख्याल से अब जितना सकून ये फ्लेयर्स में है ना, क्योंकि एक तो डिसेंसी बहुत लगती है, और जो चुन्नी चुन्नी शर्टें आ गई थी exactly. एक जमाने में, आई डोंट थिंक सो। जो बहुत ज्यादा खवातीन जो है वो नहीं कंफर्टेबल अपनी लेग्स शो करने में, ठीक है ना, अब वो शलवार नहीं पहन सकती, उनको शलवार इतनी ट्रेंडी नहीं लगती, एंड दे कांट वेयर चूड़ीदार एंड ट्राउजर्स बिकॉज दे आर बिग ऑन देयर लेग्स ऑन देयर थाइस, तो वो प्रेफर करती हैं कि वो लंबे लंबे चोगे जो हमने बनाते हैं वही बनाते रहे। हाउ डू यू डील विद दीज वुमेन? लाइक आपके पास तो रोजाना की रूटीन में रोजाना नहीं, जी वी हैव आवर स्टाफ जो डील करता है, जो मेरी फ्रीक्वेंट क्लाइंट्स हैं, जो मेरी परमानेंट बायर्स हैं, जो सीरियस बायर्स हैं, वो आई डील विद देम ओनली। अच्छा, लेकिन होता है ना आंटियों को बहुत होता है। एग्जैक्टली, तो वो बस डिफिकल्ट है, बट इट्स पार्ट ऑफ माय वर्क। सो आई एक दुबई से हमारे पास कॉल है, नासिर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम सलाम। जरा अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें भाई। ओके मैडम, आपका नाम क्या? आप मेरा शो नहीं देख रहे? वो देख रहे थे नाम, तो फैमिली आपसे पूछ रहा है। आमना, आमना। क्या ना? आमना, आमना। ये किस चीज का प्रोग्राम है? ये सियासी प्रोग्राम है भाईजान, सियासी गुफ्तगू हो रही है। ये बड़ा सियासी प्रोग्राम है। हाँ। बेचारे दुबई से कॉल कर रहे थे, कोई बात नहीं। हो सकता है दुबई से कॉल करते, चांद से तो कॉल नहीं करते, क्या हो गया तुम? क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कॉल की हो, नाम वो आपका पूछ रहे थे। देखा, आपके लिए कॉल की थी और नाम आवाज मेरी उनको सुनने को मिल गई। हो सॉरी, क्या कितना दुख की बात, बहुत दुख की बात है, कितनी गलत बात है। सॉरी भाई, ये सियासी प्रोग्राम है एक। हाँ। मैं साइम अली आए हुए सियासत खेलने और मैं सियासत खेलवाऊंगी इनसे अभी। अच्छा साइम, मुझे ही बताए गौरव, आपको पता है मेरी तो हंसी रुकेगी नहीं। नहीं, आंटियां आ जाती हैं, बाजियां, चाचियां, तो कैसे डील करते हो? डील करता हूँ, अगर वो नहीं संभल रही आपके स्टाफ से तो फिर नहीं नहीं वो इतनी वैसी औरतें नहीं आती मेरे पास, बिल्कुल संभल जाती हैं। मैं आपको बताऊं, डिजाइनर से जितनी चिक चिक करती है ना आके खवातीन, इतनी किसी से नहीं करती होंगी। हम ना के कान में मुसलसल लाली बोली जा रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। समीना, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं ये कहूँगी आज जला रही हैं आप मुझे? नहीं, इतनी माशाल्लाह प्यारी ड्रेसिंग।
आमना जबरदस्त ड्रेसिंग की है, अंगूठियाँ भी, चीजें भी। आज मैंने साइन की खुशी में इतना तैयार होकर आई हूँ। मैंने कहा डिजाइनर आ रहा है तो चले यहाँ वाली डिजाइनर जो एक मैं जिनसे कपड़े ले रही हूँ सोफिया नवीद लारी एलिमेंट प्रेस स्टोर पे स्टॉक कर रही हैं उनसे लिया था तो मैंने कहा चले जरा हर डिजाइनर डिजाइनर आपस में बैठेंगे तो नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट आपका भी। थैंक यू सो मच समीना। और साइन की भी मैं तारीफ करूंगी आमना, एक तो इतनी कम एज और माशाल्लाह बड़े हसमुख हैं, बहुत बहुत यहाँ फंसा रही है इनको। नहीं नहीं इनकी पर्सनालिटी इतनी हसमुख नहीं नहीं यही मुझे हंसा रही है, आपको नहीं पता ये जो है ना वो हमारी दोस्ती भी है बड़ी अच्छी बहनों भाइयों वाली और ये मुझे बहुत हंसाती है। आपको पता है साहिब आमना के शो में क्यों मजा आता है, क्योंकि आमना बड़ा एंजॉय कराती है अपने गेस्ट बहुत। आमना तनकीद नहीं करती, आमना लेग पुलिंग नहीं करती, आमना इज अ वेरी चीज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। हम एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फेक लगता है वाकई। ये रियल शो है उसमें बहुत मजा आता है। नहीं भाई आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे कोई कैसा मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं लेकिन कभी कभी होता है ना जैसे इंसान है जाहिर है कितनी देर डॉक्टर को भी देखेंगे कितनी देर हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ख्वातीन को इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। खासतौर पे मैंने देखा है कि मुझे बहुत लोग कहते हैं मर्द हजरात जो हैं कि जब भी मैं कहीं बाहर गई होती तो सब कहते हैं बेटा आपका प्रोग्राम इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें काफी कुछ पता चलता है। ख्वातीन ज्यादातर ये कह रही होती है कि मजे का तो होता है अच्छा तो होता है लेकिन आप जरा उसमें भी इतना हंसी मजाक डाल देती हैं तो मैं इसीलिए करती हूँ कि लोगों को व्यूअर्स को अच्छा लगे। सही बात है ना, और इतने हम लोग टेंशन में भी होते हैं तो ये घंटे हमारे बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। बिल्कुल, और जितनी रियलिटी दिखाई जाए उतना ही अच्छा होता है। सही बात है, बहुत माशाल्लाह आपका शो अच्छा है। अच्छा सैम से पूछूंगी इनकी लॉन लॉन इन्होंने खुदा का वास्ता नहीं नहीं टाइम अभी लॉन ना निकाल कोई डिजाइनर कर रहे हैं ना आजकल अपना पता है वो हर काम जो सब कर रहे हो। मैंने एक बड़ा अच्छी बात किसी को कही थी कि वो एक क्राउड बन गया है सो आई एम नॉट फ्रॉम द क्राउड आई डोंट वांट टू डू जो वो सब लोग वही कर रहे हैं बट आई हैव सितारा लॉन के अभी जो नए डिजाइन जिनके होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं वो आई डिड दैट। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाके आई विल बी डूइंग सितारा लॉन प्रॉपर्ली। अच्छा वाओ ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुई सहमा से बात करके और आपने शर्ट भी बहुत प्यारी कलर की पहनी। थैंक यू सो ये कब से मैं इनकी शर्ट पे नजर रख के बैठी हुई हूँ ये ना ये इधर ही उतरवा ले मैं शो के बाद इनको देखकर जाऊंगा नहीं नहीं कोई बात नहीं कुछ बहुत मजा है। थैंक यू समीना और बहुत शुक्रिया रोजाना कॉल करती हैं आप और इतना प्यार मजा आता है ना। आप बिल्कुल देखो फैमिली मेंबर है गेस्ट भी आपके बिल्कुल मजा आता है ना तो कॉल करने का दिल चाहता है क्योंकि यहाँ पे इज्जत दी जाती है बात सुनी जाती है। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हाँ अच्छा हम क्या बात कर रहे थे लॉन आपने मुझे तो अभी नहीं बताया कि आपने लॉन आने वाले लॉन के साथ आपने कोई कोलैबोरेट करके सितारा नहीं अभी कोलैबोरेट पूरा नहीं किया अच्छा, था अच्छा। उन्होंने इस दफा मेरे से काम करवाया था एंड दे वांटेड टू चेक द रिस्पांस दे गॉट अ रियली गुड रिस्पांस और कहते हैं अब देखें नेक्स्ट ईयर। अच्छा ऐसा क्यों हो गया वैसाइम कि एक रैट रेस लग गई हुई हर बंदा लॉन की मतलब हर डिजाइनर को ये फिक्र है कि मेरी लॉन जो है देखिए पैसे बन रहे हैं ना जिस चीज में पैसे बन रहे हैं जिस चीज में आप अपनी इमेज बिल्डिंग और लोग पहन रहे हैं सब बिक ही रहे हैं आई यू सी पागलपन है हम तो नहीं खरीदते। हाँ वो मैं और आप दो लोग हैं ना अब आप देखिए कितनी लोग हैं अवाम जो है दे वेट फॉर ऑल दीज ब्रांड्स यू सी और मतलब मुझे खुद सना सफीनास की लॉन बहुत अच्छी लगती है और वो इतनी हाथों हाथ दिखती है वी ऑल नो क्या क्रेज होता है उनकी लॉन के पीछे सो आई थिंक ये एक अच्छा ट्रेंड है। अच्छा नहीं अभी एक लेटेस्ट कोई नई डिजाइनर थी आई डोंट नो मुझे नहीं पता मिजार या मिजराब कुछ करके नाम था उनके मैंने जितने होर्डिंग देखे हैं जितने कैटलॉग देखे हैं बहुत जबरदस्त लॉन थी वाकई बहुत जबरदस्त लॉन थी अच्छा लग रहा था देखते हुए खरीदने को भी दिल चाह रहा था लेकिन अब ये नहीं कि आप हर बंदा वही चीज नॉट इवन इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया जब आप देखें इतने इंडियन हमारे बायर्स हैं जो पाकिस्तानी लॉन का वेट करते हैं क्योंकि उनकी मॉडल्स भी तो आप दे रहे हैं ना एक्ट्रेसेस भी तो आप ले रहे हैं वो एक अलग बात वो एक अलग चीज है लेकिन आप ये भी तो देखें इतनी अवेयरनेस है पाकिस्तानी लॉन की वो दे लव टू बाय पाकिस्तानी लॉन यहाँ से औरतें भारी तादाद में कपड़े खरीद के वहाँ पे जाके बेचती हैं और वहाँ पे लोग मंगवाते हैं नॉट इवन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड लंदन मेरी जानने वाली है वो एक दफा उन्होंने मेरे ख्याल से जितनी आधे से ज्यादा सना सफीना की कलेक्शन थी वो खरीद ली थी पता चला जी वो लंदन जाके उसको बेचेंगी दुगने पैसों में बिल्कुल
तो इससे बिजनेस आप बिजनेस करते हैं, मेरी चीज से आप बिजनेस करती हैं, तो यूसी हर किसी की एक रोजी लगी हुई है, काम लोग कर रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है और कोई बुरी बात नहीं, अगर किसी की दुकान चल ही रही है, रोजी रोटी चल रही है। आप कागज भी देखिए, कागज में देख के तो आप मेरे से कोई सवाल कर ली रहे। मैं कागज इसलिए देख रही हूँ की मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ की आप मुझे ये बताएं की मैंने तो खैर कपड़े आपके देख लिए, आप किस चीज से ज्यादा फोकस